तेरे इश्क में घायल का जो आज का एपिसोड था प्रिडिक्टेबल था काफी ज्यादा, क्योंकि वीर आता है ईशा को बचाने। ईशा के भाई को अरमान मार देता है। अरमान ईशा के भाई को मारता है। उससे पहले एक बार उसको पहले ही मार चुके होते हैं। वो एक अंगूठी जो प्रोफेसर के पास थे, पता नहीं वो अंगूठी उसके पास कहाँ से, क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन उसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है। फिर अरमान उसको दोबारा मार देता है। यहाँ पे वीर आ जाता है। वीर क्या करता है, ईशा को निकाल ले जाता है और अरमान को खूब मारता है। और ये मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उठ नहीं पाता। फिर यहाँ पे ईशा आती है, उसको बोलती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता, दिल से प्यार करा, तुमने ऐसा किया, ये मतलब बहुत सुनाती है उसने। यहाँ पे जो क्या नाम है उसका, महक है, वो भी वीर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, काफ़ी साथ देती है उसका। और फिर क्या होता है, फिर वो लोग विहान और ईशा को वहाँ से निकाल ले जाते हैं। फिर क्या भाई साहब, विहान को देख के वो रो रही होती है कि वीर बताता क्या रही है, उस रिंग की वजह से वापस आ जाएगा। फिर वीर ईशा को देता है ट्रेनिंग कि अपने आप को कैसे बचाए। ये सेम चीज हमें देखने को मिली थी वैम्पायर डायरीज में, लेकिन इससे अच्छी क्वालिटी में, और मजा आता है उसको देखने में। इसको इतना तो मजा नहीं आया, मैं सच बताऊँ तो। एंड ये सब चीजें मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि यार अच्छी थी और मजेदार थी। बस थोड़ा सा और इसमें ड्रामा डालते इंडिया वाला तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। बाकी भाई चीजें काफी ज्यादा सही थी, काफी ज्यादा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन हाँ इतनी थी कि एक्साइटमेंट बना रहा बहुत ज़्यादा। और मैं उस एक्साइटमेंट को देख के कह सकता हूँ कि मज़ा आ रहा था एपिसोड देखने में। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि जो हमारी ईशा है, ठीक है, उसके खून से जो महेशी था, मेयर का लड़का, वो भेड़े की भी पावर को ले पाया। लेकिन अगर ईशा को मार देते तो फिर ये आगे कैसे स्टोरी को कंटिन्यू करते, इस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं है। कहीं भी ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अगर ईशा को मार देते जैसा कि पूरा पूरा प्लान था, तो फिर कैसे बनते भाई महिषी भेड़िए, या भेड़िए जो महिष की पावर के साथ एक्चुअल में जी रहे थे। क्वेश्चन काफी ज्यादा छोटा लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कहानी को लेकर। बाकी भाई अरमान जिस तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं, मतलब काश में बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। वीर का रोल करण भी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। जितने भी रोल हमने अभी तक देखे आज के एपिसोड, सब के सब बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से निभाए जा रहे हैं। एंड इस चीज की मैं तारीफ जरूर करूंगा कि चीजें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज हो रही हैं और काफी अच्छी तरीके से चल रही हैं। बाकी भाई अब कल के एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, चीज़ें कैसी जाती हैं, कैसे नहीं जाती, और आने वाले एपिसोड में हमें और भी क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, घिसा पिटा माल चल रहा था। बस एक एक्साइटमेंट वाला पॉइंट भी वो लगा जब ईशा का हाथ काट के उसको ब्लड पिलाया गया, उससे वो भेड़िया बन गया। वो एक था जो मुझे सीन थोड़ा सा अच्छा लगा, वरना बाकी सारे सीन बोरिंग ही थे, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा। हाँ वीर और अरमान की फाइट वाला सीन थोड़ा सा एक्साइटिंग लगा था, बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। इसके अलावा आज के एपिसोड में कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके दीजिए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आपको भी क्या एपिसोड देखने में इंजॉयमेंट काफ़ी कम हो रही है या फिर मज़ा आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।